हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो पिछले कुछ वीडियो से मैं आपको भारत और दूसरे देशों के मेट्रो सिस्टम्स के बारे में बता रहा था, लेकिन भारत में इसके साथ ही एक और प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। जी हाँ, हमारा पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, या जिसे आम सी भाषा में बोलते हैं पहली बुलेट ट्रेन। लेकिन हमने अभी तक एक भी वीडियो में बुलेट ट्रेन के बारे में बात नहीं की है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं भारत के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में सब कुछ, और जाते जाते ये जानेंगे कि कब तक ये बुलेट ट्रेन आपको भारत में दौड़ती हुई दिख सकती है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप लोग शायद अब तक समझ ही गए होंगे कि जिस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वो है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बन रहा ये इस वक्त भारत का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। साल 2009-2010 के रेलवे बजट में मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के साथ 5 और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। एक 650 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर उस वक्त प्रपोज किया गया था, जिसने कि पुणे को मुंबई से होते हुए अहमदाबाद तक कनेक्टिविटी देनी थी। इस कॉरिडोर पर उस वक्त बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा तक की सोची गई थी। फरवरी 2013 में भारतीय रेलवे मिनिस्ट्री और फ्रांस की नेशनल स्टेट ओन्ड रेलवे कंपनी के बीच इस प्रोजेक्ट के टेक्निकल कोऑपरेशन को लेकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुआ। अगले महीने ही रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो मुंबई पुणे के सेक्शन को इस प्रोजेक्ट के लिए ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि उस तरफ का एक पहाड़ी इलाका इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट को काफी ज्यादा बढ़ा सकता था। सितंबर 2013 में भारत और जापान ने इस प्रोजेक्ट में एक ज्वाइंट फिजिबिलिटी स्टडी के लिए MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया। JICA यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और SNCF ने भी उस वक्त इस प्रोजेक्ट पर काफी ज्यादा स्टडी की थी। जापान कोऑपरेशन एजेंसी के कुछ ऑफिशियल्स जनवरी साल 2014 में मुंबई गए, जिसके बाद उन्होंने पूरे बुलेट ट्रेन के रूट की साइट की जानकारी ली थी, जिसके बाद कुछ मुख्य चीजें बाहर निकल कर आई। वो ये कि पूरा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर करीबन 508.18 किलोमीटर लंबा होगा। लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बुलेट ट्रेन इस कॉरिडोर में दौड़ सकेंगी। जुलाई 2015 में एक जॉइंट जापान और इंडिया की सर्वे टीम ने शंका से इन ट्रेन का स्टाइल इस मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए प्रपोज किया। इसलिए इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में आपको E5 सीरीज की जापानीज शिंकानसेन ट्रेन ही देखने को मिलेगी, यानी जिसे आप आसान सी भाषा में जापानीज बुलेट ट्रेन भी बोलते हो। इस पूरे कॉरिडोर की ऑपरेटर होगी NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस कॉरपोरेशन को भारत में हाई स्पीड रेल को कंस्ट्रक्ट करने, मैनेज करने और मेंटेन करने के लिए ही साल 2016 में बनाया गया था। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में कुल मिलाकर 12 स्टेशन होंगे, जिसमें बुलेट ट्रेन मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर गुजरात के साबरमती जंक्शन रेलवे स्टेशन तक जाएगी। इस पूरे कॉरिडोर के 8 स्टेशन बनाए जाएंगे गुजरात में और बाकी के बचे 4 बनेंगे महाराष्ट्र के अंदर। पूरे रूट में कुल 24 बुलेट ट्रेन चलाई जाएंगी, जिसमें से 6 भारत में ही बनाई जाएंगी। इस पूरे कॉरिडोर का कॉस्ट होगा लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए, यानी लगभग $15 बिलियन, जिसमें 81% पैसा यानी करीबन 88,000 करोड़ रुपए के आसपास जापान ही फंड करेगा, जिसमें भारत को 0.1% के ब्याज दर के साथ ये पैसा अगले 50 सालों में वापस करना होगा। बाकी का बचा पैसा महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारें मिलकर देंगी, और शायद यही एक कारण भी है कि क्यों बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर आखिर इतना ज्यादा डिले हो रहा है। बुलेट ट्रेन को दिसंबर 2023 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया था, जो अब खिसक कर दिसंबर 2028 हो गया है। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो है लैंड एक्विजिशन। इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था साल 2017 में, और अब हम पहुंच चुके हैं 2021 में, लेकिन अभी तक भी इस प्रोजेक्ट का लैंड एक्विजिशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि गुजरात में इस वक्त तक लगभग पूरा लैंड एक्विजिशन हो चुका है और वह काम भी काफी अच्छी रफ्तार से चल रहा है। पिछले साल 25,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लार्सन और टुब्रो को दिया गया था, जो शायद भारत के इतिहास में एक सिंगल कंपनी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। वापी से वडोदरा के बीच 237 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर के लिए ये बिल्डिंग लार्सन एंड टुब्रो ने जीती थी। लेकिन वहीं मुंबई में इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक 25% लैंड एक्विजिशन भी नहीं हुआ है। ये कॉरिडोर थोड़ा सा यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नागर हवेली से भी गुजर रहा है, लेकिन
वहां पर इस कॉरिडोर का काफी कम स्ट्रेच रहेगा। जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हिसाब से ये प्रोजेक्ट उनके लिए कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं लेकर आएगा, जिस कारण जहां गुजरात में इस वक्त बुलेट ट्रेन का जमीनी हकीकत पर काम शुरू हो चुका है, वही महाराष्ट्र में अभी भी लैंड एक्विजिशन के लिए ही माथापच्ची करनी पड़ रही है। ये चीज कहीं ना कहीं जापान को भी इफेक्ट कर रही है, क्योंकि इस तरह के आर्टिकल्स अब हमें देखने को मिलने लगे हैं। इस वक्त इस कॉरिडोर में कुल 24 पैकेजेस में से सिर्फ 3 पैकेजेस में ही काम पूरा हो पाया है और बाकी 3 में काम अंडर प्रोसेस में है। शायद ये कॉरिडोर हमारा पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, इसलिए भी हमें इसमें टाइम लग सकता है। कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने कुछ चाइनीज मशीन्स को बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में इस्तेमाल करने के लिए मना किया था, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के काम के लिए जरूरी थे, जिस कारण वो सारी मशीन सब हमें खुद से डेवलप करनी पड़ेंगी। वैसे इस कॉरिडोर में ये बात अच्छी है कि कुल 75% का कॉन्ट्रैक्ट इसमें सिर्फ इंडियन फर्म्स को दिया जाएगा, जबकि क्योंकि ये हमारा पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है और इसके लिए हमें अच्छे एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बचा हुआ 25% का काम कुछ बाहर की कंपनीज करेंगी। तो अगर कुछ थोड़े से लफ्जों में इस कॉरिडोर की बात करें तो गुजरात में इस वक्त काफी हद तक काम अच्छी रफ्तार से देखने को मिल रहा है, अगर उसे मुंबई से कंपेयर किया जाए तो। जहां तक बात 3 दिसंबर 2023 के डेडलाइन की, तो उस डेडलाइन तक तो शायद काम पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पूरे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को 2 फेजेस में शुरू कर दिया जाए। कुछ रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर महाराष्ट्र में काम की रफ्तार ऐसी ही रही तो गुजरात में बनाकर बुलेट ट्रेन के पहले फेज को खोल दिया जाएगा, जिसके बाद में मुंबई तक एक्सपेंड कर फिर इसके दूसरे फेज को इनॉग्रेट किया जाएगा। और अब अगर आखिर में बात करें तो कई लोग शायद इस बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर के टिकट के प्राइस को जानना चाहते होंगे। तो असल में टिकट का प्राइस कितना होगा ये तो बुलेट ट्रेन के बनने और ऑपरेशनल होने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन अभी की जानकारी के मुताबिक शायद अहमदाबाद मुंबई के बुलेट ट्रेन के एक तरफ का किराया लगभग 3000 भारतीय रुपये हो सकता है। जो चेंज होता है या नहीं वो देखने की बात होगी। तो फिलहाल गुजरात में काफी जगहों पर इस प्रोजेक्ट का काम अच्छी तरह से चालू है, लेकिन पहला कॉरिडोर होने की वजह से भारत को कई मुश्किलें इस कॉरिडोर में देखने को मिल रही हैं। वैसे इस कॉरिडोर के अलावा भी कई सारे बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर्स में शुरुआती टेंडर्स को अभी तक जारी कर दिया गया है, और आने वाले समय में जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट पर अपडेट्स आती रहेंगी कोशिश करूंगा कि आपको भी वीडियो बनाकर उनसे अपडेट रखूं। तो बस अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोज मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी मिल जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।